गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ग्रिड चैम्बर के डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो ग्रिड चैम्बर के डिज़ाइन क्राइटेरिया में सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि ग्रिड चैम्बर में हम जिस पार्टिकल्स को रिमूव कराते हैं उसकी साइज़ 0.2 mm या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी हम पार्टिकल्स को ग्रिड चैम्बर में रिमूव करा सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए उसका रेंज 2.4 से 2.65 होता है, बट जनरली हम डिज़ाइन कंसीडर जब करते हैं तो उस कंडीशन में 2.65 कंसीडर करके हम क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये हमारा सरफेस ओवर फ्लो रेट के लिए वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि स्टोक्स लॉ जो होता है वो अप्लीकेबल नहीं होता है ग्रिड चैम्बर के केस में। स्टोक्स लॉ जो होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा ग्रिड चैम्बर के केस में। नेक्स्ट स्टेप है कि जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का रेंज होना चाहिए VH इक्वल्स टू वो 0.15 से 0.30 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का रेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेंशन टाइम। तो ग्रिड चैम्बर के लिए जो डिटेंशन टाइम होता है वो 40 से 60 सेकेंड होता है, बट जनरली हम हमेशा डिज़ाइन के कंडीशन में 60 सेकेंड डिटेंशन टाइम मान करके क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ क्वेश्चन में ये दिखा भी दिया है कि ए डिटेंशन टाइम ऑफ 60 सेकेंड इज यूजुअली अडॉप्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर, यानी कि ग्रिड चैम्बर के डिज़ाइन में हमेशा 60 सेकेंड वैल्यू हम अडॉप्ट करके ही क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। ग्रिड चैम्बर में हमेशा हम सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ। जो ग्रिड चैम्बर की डेप्थ होनी चाहिए उसका रेंज 1 मीटर से 1.5 मीटर डेप्थ के होता ही है। नेक्स्ट फ्री बोर्ड, उसमें 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड हम डेप्थ में ऐड करके ओवरऑल डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि जो हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसमें लेंथ में हम 20% एक्स्ट्रा लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल लेंथ को हम फाइंड आउट करके टोटल एल की वैल्यू हम बताते हैं, ताकि जो हमारा इनलेट और आउटलेट चैम्बर हो उसकी लेंथ भी उसी में इंक्लूड हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो सारा अब डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में बात हो गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए ग्रिड चैम्बर टू रिमूव पार्टिकल्स ऑफ ए डायमीटर 0.2 mm एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर इन द रेंज ऑफ 0.0160 टू 0.02 मीटर पर सेकेंड, द प्रोपोर्शनिंग वियर विथ वी हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 0.28 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम वेस्ट वाटर फ्लो इज एक्सपेक्ट टू बी 12,000, ये 12,000 है मीटर क्यूब पर डे। चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ विड्थ और एच डेप्थ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ 2.6 मीटर और जो पार्टिकल्स के डायमीटर दिया हुआ है वो है 0.2 mm। ये पार्टिकल्स के डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी गिवन है, VH की वैल्यू 0.28 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और ये सेटलिंग वेलोसिटी होता है। तो जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे VS की वैल्यू, तो उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है रेंज वेलोसिटी का 0.0160 से 0.02 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का वैल्यू हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे तब हमें एवरेज सेटलिंग वेलोसिटी VS की वैल्यू पता चल जाएगी। जब इसका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उसका एवरेज क्या होता है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी 0.018 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल्स टू कैपिटल क्यू अपन VH। VH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और क्यू की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 20,000 मीटर क्यूब पर डे।
जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे 12,000 मीटर क्यूब पर डे अपॉन 0.28 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू डे में है और हमें ये सेकेंड में है, तो डे को हम सेकेंड में कन्वर्ट करके सेकेंड सेकेंड को कट कर देंगे और मीटर एक मीटर कट जाएगा, तो एरिया का यूनिट जो होगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया की वैल्यू आएगी 0.496 मीटर स्क्वायर, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 0.5 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारी डेप्थ की रेंज होती है, डेप्थ की रेंज हमारी होती है 1 मीटर से 1.5 मीटर, तो हम डेप्थ को एज्यूम कर लेंगे। डेप्थ या हाइट दोनों एक ही चीज़ होता है, तो एज्यूम डेप्थ और हाइट इक्वल्स टू 1 मीटर। तो जब हम डेप्थ एज्यूम कर लेंगे तो एरिया इक्वल्स टू, हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, 0.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल्स टू, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल्स टू एच इंटू बी लिख सकते हैं, हाइट इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। हाइट को हमने एज्यूम किया 1 मीटर, तो 1 × b इक्वल्स टू 0.5 मीटर स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 मीटर। यहाँ से हमें डेप्थ भी पता चल गया, विड्थ भी पता चल गया और एरिया भी पता चल गया। अब जैसा कि हम जानते हैं डिटेंशन टाइम t इक्वल्स टू होता है लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं td इक्वल्स टू डिटेंशन टाइम td इक्वल्स टू कैपिटल L अपॉन VH, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। और एक td इक्वल्स टू डिटेंशन टाइम td इक्वल्स टू होता है डेप्थ अपॉन सेटलिंग वेलोसिटी, तो td इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल H अपॉन VS, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होता है, रिलेशन मिलेगा L अपॉन VH इक्वल्स टू H अपॉन VS। तो जब VH इधर मल्टीप्लाई होगा तो L इक्वल्स टू होगा कैपिटल H अपॉन VS इंटू VH इक्वल्स टू, कैपिटल H की वैल्यू हमें पता है 1 मीटर, अपॉन VS की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है 0.018 मीटर पर सेकेंड, 0.018 मीटर पर सेकेंड इंटू VH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.28 मीटर पर सेकेंड। जब इन वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हम L की वैल्यू टोटल हमें मिलेगी 15.56 मीटर, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 16 मीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल हमारा जो लेंथ होगा वो 20% इंक्रीज करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करेंगे L 16 मीटर हमने कैलकुलेट किया था, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 20% एक्स्ट्रा इनलेट और आउटलेट के लिए टर्बुलेंस लेते हैं। तो टेक 20% इन एक्स्ट्रा फॉर इनलेट एंड आउटलेट टर्बुलेंस। जब 16 मीटर लेंथ का 20% कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ओवरऑल लेंथ हमें 19.2 मीटर मिलेगी, इसको हम 20 मीटर मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमें लेंथ 20 मीटर मिल गई, विड्थ हमने 0.5 मीटर कैलकुलेट किया था, डी या कैपिटल एच की वैल्यू 1 मीटर और ए की वैल्यू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल डेप्थ जो होगी, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी आर कैपिटल एच इक्वल्स टू 1 मीटर डेप्थ हमने एज्यूम किया था प्लस 0.3 मीटर फ्री बोर्ड। जब इसको ऐड करेंगे तो ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी 1.3 मीटर, यही मेरा आंसर हो जाएगा।